भाइयों बहनों और छमियों, आज मैं आया हूँ एग्जैक्टली है टेन ए मैंने पूछा तेरे को मादर तो आज की इस पावन अवसर पे मैं टिकटॉक के लड़े लगाता हूँ और आज रात ठीक 12 बजे से अगर कोई भी टिकटॉक बनाते दिख जाए तो उसकी गांड मार लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, रुको जरा सबर करो। अब जब टिकटॉक बैन हो ही रहा है तो टिकटॉक के गाने पे एक बार डांस करना तो बनता है ना। म्यूजिक चिन माधर चोद बा चिन माधर चोद बा। हाँ तो अब हम मुजरा सेंटर के बैन होने की खुशी मनाएंगे और जाते जाते इनकी गांड फाड़ के जाएंगे। और जैसे ही टिकटॉक बैन होने का न्यूज आया उसे सुनते ही छमियों का गांड फट गया। तो ऐसे ही कुछ गांडेनियन का भी हम छमियापन दूर करेंगे, पर उससे पहले यू नो व्हाट टाइम इट इज, स्पॉन्सर टाइम। तो आज के अपने स्पॉन्सर है वोडाफोन के भाई लोडाफोन, जिसमें आपको लोडा का क्रोम मिलेगा, लोडा का व्हाट्सएप मिलेगा, लोडा का इंस्टाग्राम मिलेगा और इनबिल्ट ठुकाई के वीडियोस भी मिलेगा। और इसमें आप कभी भी मुजरे वाले ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, और अगर आप फिर भी इंस्टॉल करने का ट्राई करो तो लोडाफोन ऐसा माफ हो देगा कि तुम्हारा पूरा खानदान छूट जाएगा। तो लोडाफोन खरीदने के लिए इंस्टाग्राम पे और देश बचाओ। तो चलिए गुरु हो जाते हैं शुरू। हमारा काम दिखता है तो लोग कमेंट करते हैं। बात रही यूट्यूबर्स की तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहा है। तो मुजरा सेंटर के सपोर्ट में बोल रहा था ना, आप मुजरा सेंटर के तो लोड़े न। और जिस टिकटॉक के दम पे तू ये मीठी मीठी पिचकारी मार रहा था वो तो अब बैन हो गया। और बैन होते ही तुम जैसे भूती वाले पोकेमॉन को इंस्टाग्राम और यूट्यूब याद आया तो तू अब यूट्यूब पे आ रहा है। ताना मार भेंचू दूंगा, मार दूंगा, इधर आ गए तो खड़ा रह के घड़ा मार दूंगा बहुत को की। हाँ इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रो पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। और तुम्हारे एक ना डाउनलोड करने से गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे ऐसे रोते देख समझ रहा है कि तुम लोगों ने एक टट्टू से आपको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि जो सबके डाटा चोरी करता है उससे तुम्हें लग फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें तो पाउडर मारना है, लिंग परिवर्तन करना है। साले कुत्तों की जिंदगी। नाथू सैलरी लेने से अच्छा तू मेरा हथियार लेना। नाथू सैलरी लेने से अच्छा तू मेरा हथियार लेना। टिकटॉक बैन होते ही सभी बोलने लगे कि ये देना। फ्रेंड्स आप लोगों ने टिकटॉक पे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत जरूरत है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे टिकटॉक आईडी में लिंक है और वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और बेटी चोद ऐसा रो रहा है जैसे अभी माइक के चले जाएगा। और नहीं मालूम है तो सुन, बस 2-3 प्लेटफॉर्म गया और जिसके पास टैलेंट होगा वो कहीं भी आके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके भौकाल मचा सकता है, पर जो टैलेंट के नाम पे बवासीर फैला रहे थे उनकी तो गांड फटनी चाहिए। We are back। पहले तो इसने यूट्यूबर से टिकटॉक की कंट्रोवर्सी में सभी टिकटॉकर्स को गाली पड़वा दिए थे और साथ ही इसके चक्कर में इसके भाई का अकाउंट भी उड़ गया था। और इसने जैसे ही वी आर बैक का वीडियो डाला टिकटॉक बैन हो गया। तो सभी टिकटॉकर्स इसे अपने मन में बोल रहे हैं कि तूने कमबैक वीडियो बनाया है क्यों मादरचोद, वीडियो बनाना होता तो रंडो के ढाबे पे जाके बनाता। नहीं, चुटकी और नाथू के बीच चल रही है प्यार वाली बात। चुटकी और नाथू के बीच चल रही है प्यार वाली बात। मुजरा सेंटर वालों अब तुम टिकटॉक को लेके उसके साथ। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? स्वाद नहीं, अंडू के गान से एटीट्यूड का जुलाब निकल गया। क्या बोल रहा था वीडियो में? छोटा मोटा गेम नहीं करने का। तूने गेम किया और यहाँ तो गवर्नमेंट ने तुम सबके गान के नीचे से जमीन ही खींच ली। और ये को नफा फैला रहा है कि टिकटॉक बैन होते ही टीम 07 और प्याज अपने अपने काम पे लग चुके हैं। सर जी कौन सा काम? भोली सी सूरत आँखों में मस्ती। और टिकटॉक बैन हो गया तो तुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तेरे को एक मस्त स्कीम बताता हूँ। सुन अंडू 07, तू ना अपनी पतलून उतार कर अपनी गांड कोयले पर टिका दे और कोई भी आते जाते आदमी के सामने बोलते रहना कि ये देना ये देना ये देना ये देना लौटा लेना मेरा। हाँ तो अब हम KBC खेलेंगे और 3 लोगों को पेलेंगे। तो नाथू 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 कहाँ गया नाथू? सनकी तू गांड मारा, अब मैं इनके साथ KBC खेलेगा और इनके भोसड़े में खली का लंडी डालेगा। तो भोसड़ी के लगा इंट्रो।
क्या बनोगे छमिया? ओके तेरे बुन में क्या अटका हुआ है? डायमंड रिंग। कस्टमर को तेरी सर्विस अच्छी लगती है तो क्या बोलते हैं? आप खूब तरक्की करो। तू मेरे से कितने टाइम बाद ठुकवाने आया है? सालों बाद आया हूँ मैं। तू कब ट्रेन में जाके देना ऐसा बोलेगा? लॉकडाउन के बाद। तू कितने महीने बाद मेरे बच्चे की माँ बनेगी? 2 महीने बाद। ज्यादा पैसे देखते ही तू सबसे पहले क्या बोलता है? बतारू क्या? तेरे चूतड़ के अंदर क्या चल रहा है? गोलमाल। 10 लोगों से एक साथ ठुकवाने के बाद तू कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम लोगों ने चाइना की चूचियों जैसे मस्त जवाब दिया है तो इसी बात पे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे झांट का सूप। मजा आया, हमें भी मजा आया। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और अगर 20,000 लाइक्स होते तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे खुद का चुदाब से भरा वाला फोटो डाल दूंगा। तो चुदाब से भरा वाला फोटो देखने के लिए जल्दी से लाइक करके इंस्टाग्राम पे आ जाओ। यार सुनना, कभी तो कॉल कर लिया कर, कभी तो एक मैसेज कर लिया कर। क्या पैसा फोकट गया था क्या हमारा? हमको रात में काम लग गया, क्या करेंगे भाई चोद? वरना जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन तू कहेगी मर गया मादर चोद। और साथ ही डिस्कॉर्ड पे आओगे तो वहाँ बकचोदी करेंगे और साथ ही कॉल के थ्रू बातचीत भी करेंगे। और नए हो तो सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो। तो करो फिर चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।